की खबर है। चुनाव से पहले बंगाल में फिर बवाल हुआ है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई, एक महिला की मौत हो गई। आगजनी के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला है। चुनाव आयोग ने अब इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। तो एक बार फिर पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर है। नंदीग्राम की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हिंसा हुई और उसके बाद मोर्चा यहां पर संभाल लिया गया है केंद्रीय सुरक्षा बल की तरफ से। चुनाव आयोग भी अब एक्टिव हुआ है। पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। चुनाव से पहले बंगाल में फिर बवाल की तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई और एक महिला की इसमें मौत हो गई। आगजनी के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंचा है और पूरी तरह से यहां पर मुस्तैदी दिखाता हुआ चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। तो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हिंसा की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हिंसा से हमेशा से जुड़ी रही है और चुनाव के बीच एक बार फिर हिंसा जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े भी कर रही है। बंगाल में एक बार फिर बवाल की तस्वीरें। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प हो गई जिसमें एक महिला की भी मौत हो गई। आगजनी की तस्वीरें आपके सामने है और इसी आगजनी के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। अपने दर्शकों को बताने के साथ चरणों में लगातार यहां पर मतदान हो रहा है और अब 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम में हिंसा की खबर है। चुनाव से पहले बंगाल में फिर बवाल हो गया। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया जिसमें एक महिला की मौत तक हो गई। आगजनी हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं और इस आगजनी के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल मुस्तैद हो गया है, मोर्चा संभाल लिया है। अदर आंखों पर पसरी है। इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की नियति भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, लेकिन चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर यही होती है, हिंसक और आक्रामक। इस बार हिंसा का केंद्र बना है पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम, जो अतीत के पन्नों में सियासत की आग में कई बार झुलस चुका है। लेकिन अब एक बार फिर नंदीग्राम की मौजूदा तस्वीर देख लीजिए, जहां सोना चूड़ा इलाके में बुधवार देर रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो जमकर झड़प हुई, उसके बाद झड़प हिंसा में तब्दील हो गई। नंदीग्राम में हुई हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि इस हिंसा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसका आरोप लगा टीएमसी पर। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। उधर टीएमसी इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। और पश्चिम बंगाल के बाद आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर 25 मई को वोट डाले जाने हैं, यानी छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की कहानी सीएम